जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, वापस से आप सभी को और एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, मैं हूँ अभी चांडिल डैम में और अभी निकलने वाला हूँ रांची के लिए। रांची जो है यहाँ से लगभग 105 किलोमीटर दूरी पे है। मेरा साइकिल बिल्कुल रेडी है। ये जो होटल था, हम कल और परसों को रुके थे। वो जो भाई है, बाबा भैया, उनसे हाथ भी मिला लेते क्योंकि उनके साथ ही हम कल रात को सोए थे। थैंक यू, फिर से मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए निकलते हैं। टाइम अभी हो रहा है सुबह का 6 AM होने को है, तो जल्द से जल्द निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में धूप बढ़ जाता है। तो साइकिल रेडी है हमें वहाँ पहुँचाने के लिए, भाई बिल्कुल रेडी है। लो भाई, हम निकल चुके हैं इधर से रांची की तरफ। चलिए चलते हैं फिर तो। ओ भाई, अभी निकलते निकलते 6 बज गया है बिल्कुल। चांडिल डैम कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो इधर का व्यू, देख लो इधर का, देख लो। ओ साइकिल को हम किधर से लेके जाए भाई, रोके साइड से चले जाते हैं। वाह, निकल गए। हाँ, ये जो है डैम का रूट सा जो है ना, हम अभी नेशनल हाईवे में आ चुके हैं। तो भाइयों, इधर से रांची 95 किलोमीटर है, 95 किलोमीटर बस गया है रांची। और ओ भैया, अलग से मीठा हुआ लोग, खुशी होता है। थैंक यू। चलिए आपका फर्स्ट टाइम इसका मर देंगे आपका जी। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है बोलिए? ये डिस्ट्रिक्ट सरायकेला खरसावा। सरायकेला खरसावा, और गांव का नाम क्या है? ये उरमाल। उरमाल, उरमाल, ये चौका थाना अंतर्गत आता है। चौका अंतर्गत थाना, चौका थाना। इधर चौका लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, उधर से ही आप आ रहे हैं। पैसा तो नहीं लगेगा ना? पहले जी आपका जैसा देखो साइकिल टूटी यात्रा करने वाले आए थे जी इससे पहले। अच्छा भैया, मैंने सुना है काफ़ी लोग बोले कि इधर धोनी जी भी आते हैं पूजा वूजा करने। आते हैं, यही तो फिलहाल आए थे, मतलब मोटा मोटी लगभग 1.5 महीना लगभग हो गया आया। उसके बाद यहाँ हम लोग का जो झारखंड का मुख्यमंत्री जी हैं जी जी, वो अभी आए हुए थे पूजा करने के लिए। वो तो यही चैती दुर्गा पूजा होता है ना, उसी में आए थे। वो चैती दुर्गा पूजा के अंदर ही आए थे, 9 दिन के अंदर ही आए थे। सेम भी इधर आते हैं ना पूजा करने? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा विधायक जी लोग पूजा करने आते हैं, मंत्री तो आते हैं, लेकिन बस कोई योगदान नहीं करता, बस यही थोड़ा सा। हाँ, योगदान करना चाहिए और भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग जब आते हैं, यहाँ बहुत सारा सुविधा का अभी जरूरत है, अभी जरूरत है, जो अभी नहीं है सुविधा। चलिए नज़दीक चलते हैं फिर देखते हैं भाई साहब, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने देखा, पता है अभी अभी एक बकरा को बलि चढ़ाते हुए देखा मैंने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए इधर भैया। चलिए मैं आपको पीछे से मंदिर दिखाता हूँ फिर निकलते हैं इधर, क्योंकि हमारा टारगेट आगे पहुँचने का है रांची। तो बैक कैमरे में कुछ सीन आपको दिखा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं अभी मंदिर का जो परिसर में हूँ, और ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत बड़ी सी ये माता दुर्गा का मंदिर है। काफ़ी लोग हैं, शायद यहाँ बहुत प्रसिद्ध है इधर देवड़ी में, काफ़ी लोग इधर आए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ का
परिसर देख सकते हैं। पूजा करने के लिए आपको सब कुछ, पूजा का सामग्री सब मिल जाएगा, साथ ही खाने का भी, सब्जी का भी। मार्केट कुछ ऐसा बैठा हुआ है और स्टेशनरी का भी आपको सामान सब मिल जाएगा। कितना का है? एक तेजी हम तो छोटा सा एक चाहिए, एक चाहिए। बड़ा हो जाएगा, खा नहीं सकूंगा पूरा, अकेला ही ले लेता हूँ। कितना? तो हम पपीता खरीद रहे हैं। तो दोस्तों हम अभी अभी पपीता खरीदे, ये रहा, साथ ही चाह भी पकड़े हैं, और किया तून जैसा कुछ छोटा छोटा फल लेना वो खरीदे। तो चलिए अभी चलते हैं, रांची पहुंचना है, माता को, माता जी का मंदिर को विदाई लेते हैं मस्जिद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं मुँह में घुसाया हुआ हूँ कुछ। तो भाई फिर से हम NH हाईवे में आ चुके हैं, दौड़ी मंदिर, मंदिर से चलिए आगे चलते हैं। गुड आफ्टरनून गाइज, वापस से इसी वीडियो में स्वागत है। फिलहाल अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 PM और धूप भाई साहब इतना हो रहा है कि क्या बताऊँ। अभी का जो टेम्परेचर है 38 और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 39। देखिए कितना धूप हो रहा है। और साथ ही अभी मैं होटल में बैठा हुआ हूँ, सनफ्लावर नाम का होटल में। खाना वाना मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, बिल्कुल रेस्ट ले रहा हूँ अभी। थोड़ी देर पहले 1 घंटा से मैं इधर ही हूँ, वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। और धूप के बारे में क्या बताऊँ, सामने से हवा चल रहा है, गर्म हवा, और 20 किलोमीटर से मैं सामने वाला हवा से लड़ते हुए इधर तक पहुँचा हूँ, क्योंकि वहाँ सामने कोई उधर होटल नहीं था, इधर आना पड़ा। इधर हम ऑलरेडी खा चुके हैं, बिल्कुल रेस्ट ले रहे हैं अभी, बिल्कुल रेस्ट ले रहे हैं। कुछ देर रुकेंगे, लगभग 3:30 बजे शायद निकलेंगे इधर से। तो होटल बहुत ही बढ़िया था, ऑलरेडी खाना वाना खा चुके हैं। रोड साइड में बिल्कुल वो जो है NH है, वो लाइन वाला उधर ही है। तो खाना वाना ऑलरेडी खा चुके हैं, थोड़ा इधर इंतज़ार करते हैं, फिर चलेंगे रांची की ओर। रांची जो है इधर से अब 38 किलोमीटर दूरी पे है। तो फिर 3:30 बजे निकलेंगे, धूप को थोड़ा कमने देते हैं, थोड़ा कम होने देते हैं। हवा तो इतना चल रहा है कि पता नहीं 3 बजे तक कुछ हवा कमेगा कि नहीं कमेगा, वो सोच रहा हूँ। तो ठीक है, 3 बजे तक इंतज़ार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओह, ढलान आ गया फिर से दोस्तों, और उस तरफ देखिए कितना बड़ा सा पहाड़ है, इसको चढ़ने में मज़ा आएगा भाई। गाड़ियाँ इतना तेज़ी से जा रहा है देखो, और रांची रह गया 33 किलोमीटर। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वापस से इसी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं जो वहाँ पर रुका था, वो जो होटल था, वहाँ पर खाना वाना खा के अभी निकल गया हूँ, और रास्ते में ही बहुत सारे मेरे दोस्त लोग मिल गए अभी, तो हाय बोल दीजिए। हाय हाय। तो बहुत सारे अभी परीक्षा दे रहे थे शायद 9th का, हाँ, तो अभी रास्ते में जाते टाइम मिल गए। अभी यहाँ से रांची का जो रास्ता है 35 किलोमीटर का बच गया है, और मुझे देखते ही मुझे रोकने को बोले और बातचीत हुई बढ़िया भाई लोगों से, तो हाथ मिलाइए हमसे, ठीक है, मिल के बहुत खुशी हुई। आप सभी का वीडियो भी आएगा, मेरे दोस्त सब जो है ना वो आप सभी को देखेंगे, ठीक है।
नमस्ते भैया, जो रात को ये राइस हो जाएगा खाने को मिलेगा ना? ठीक है जी जी, इधर लगा दूँ। मिलके खुशी हुई। अच्छा ये जगह का नाम क्या है भैया? रामपुर। भैया हम उड़ीसा से हैं, उड़ीसा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट से। आप गए हैं उधर? बढ़िया बात। तब तो अभी तो भैया आज रांची पहुंचना था पर पहुंच नहीं पाए, और उससे पहुंच जाते पर आज इधर रुकेंगे सोच रहे हैं। क्या इधर रुक सकते हैं भैया? दोस्तों अभी ठिकाना मिल गया है, अभी शायद हम इधर ही रुकेंगे। गुड नाइट दोस्तों, वापस से वीडियो में स्वागत है। फिलहाल अभी जो हमें इसी हाईवे के पास में एक ढाबा रख है, जैसे होटल जैसा है, उधर मैं रुक रहा हूँ। और ऑलरेडी मैं खाना वाना खा चुका हूँ, आप तो वीडियो में देखे होंगे। आज यहीं पर रुक रहे हैं। और ये जो जगह का नाम है रामपुर, और इधर से रांची जो है 18 किलोमीटर दूरी पे है। ढाबा के मालिक जो है वो हमें मुफ्त में खाना खिलाए कि खाना वाना खा लीजिएगा, कुछ पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है।